होटल है यहाँ पे चंदेव कटवा होटल, और यहाँ पर अभी चल के देखते हैं। देख ले जाकर दिखाओ। शादी जरा निकाल लो जरा थोड़ा सा बाहर, एक बाहर के कार्ड मतलब बाहर के कार्ड ये कटवा है जी। स्पेशल डिश कटवा, शादियों वगैरह में भी ये बनता है, कटवा रोटी कहते हैं इसको। इधर से भी आते बन रही है ये देखिए, ये 450 दे कटवा, ये निकाला दो सिंगल लाल। यहाँ भी हम बैठ के देखते हैं। ये अभी इन्होंने सलाद और दही ला के रख दिया है, दही बिल्कुल गाढ़ा है खालिस, और ये फ्रेश सलाद ये ला के अभी इन्होंने रख दी है। अब हम इंतज़ार में हैं कि कटवा आए, असल चीज़ है, असल चीज़ कटवा के इंतज़ार में है। अरे जी, अगले स्टेप में अब रोटी आ गई है, और ये जी हमारा कटवा आ गया। जो जबरदस्त दिख रहा है। अब व्हाट्सएप किस तरीके से इसको खाया जाएगा, छोटे वाले बात में लगते नहीं है, जरूर है शोरबा तो है आपके, किस तरीके हाँ किस तरह से करें, एक में कुत्ते का कर लेते हैं तो एक में ऐसे अब इसको चक, अब इसको चक के देखते हैं कैसा है टेस्ट। टेस्ट तो अच्छा है, थोड़ा सा लगता है नमक डालना पड़ेगा, बट साहब ने रोटी को थोड़ा बट साहब थोड़ा सा इसको नमक कम लगाए बोटिया। क्या करें जी भट्टा, बोटिया एक बना दो, एक पर डाले। अच्छा जी, ये मैंने आस्तीनें चढ़ा ली है, अब ऊपर ये बोटिया एक में करवा रहे हैं भट्ट साहब हमारे। ये देखें, रोटियाँ एक में हो गई,
ये व्हाट्सएप क्या चेक करा था आपने? हड्डियाँ ना हो, छोटी पीस तो। अच्छा, ये व्हाट्सएप ने हड्डी चेक करी है। चमचे से व्हाट्सएप ने हड्डी चेक करी और अब ये रोटी जो है चूर के इसमें डाली है और ये अब मिक्सिंग कर रहे हैं व्हाट्सएप। अच्छा, ये जी बोटी ली और हाँ हाँ ऐसे खाओ ना, ऐसा खाया जाएगा बाटा जी गोश रखा यहाँ पे। ये चीज अंदर नमक कम है यार, इसको ऐसे कर लेंगे शायद, ऐसे करें खा लो। अच्छा वाह जी वाह, जबरदस्त। नमक वो डालो। हेलो भाई, इंतजार भाई आप भी शुरू करें, कैसा लगा आपको? बेहतरीन है। ये चाय आ गई है जी, खाना खा लिया है और अब ये गर्मा गर्म दूध पत्ती चाय आ गई है। ज़बरदस्त खाना, ज़बरदस्त था कटवा, ज़बरदस्त था, मज़ा आया है बहुत। थोड़ा इनसे पूछो उस्ताद जी, ये थोड़ा बताएं कि ये गोश्त कौन सा होता है? ये भैंस का गोश्त है सर, जोटी का। भैंस का गोश्त है? अच्छा, जोटी का गोश्त है। ये लोग जो अपने शौक से खाते हैं, मट्टी का बर्तन है अल्हम्दुलिल्लाह तरीके के साथ, और ये चीज़ जो है ना हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, और टेम एक होता है। अच्छा, तो ये खाली आप दोपहर में ही होता है? बस दोपहर का खाना होता है। अच्छा, रात का खाना नहीं होता है। और ये पकता किस तरह, कितनी देर पकता है ये? ये तकरीबन कम से कम 5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे पकता है? खाना बहुत अच्छा है जी इधर। ये कटवा गोश्त है, यहाँ शादियों में भी होता है, और ये बिल्कुल हजरों जो है, हजरों के मेन रोड है उसके साथ ही है, तरबेला मोड़ हजरों, तरबेला मोड़, बिल्कुल तरबेला मोड़ हजरों कटवा, बिल्कुल जो हटिया से आते हैं मेन जीटी रोड से अंदर आके हजरों की तरफ आते हैं, राइट को रोड मोड़ रही है जो तरबेला और गुरगश्ती की तरफ ये जा रही है, उस रोड पर ही लेफ्ट पर फौरन ही मोड़ के साथ ही ये होटल मौजूद है। और बाहर से ज़रा दिखा दो थोड़ा सा, बाहर से उधर से जाके ज़रा आप दिखा दो। ये है चंदसेब कटवा होटल और रश आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे, चंदसेब कटवा होटल। ये और बेहतरीन बेहतरीन कटवा है, आए तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगली वीडियो के लिए और हमारे मज़ीद ट्रिप के लिए साथ रहिए हमारे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें।